आप लड़िएगा तो आपसे कोनो कमजोर है। AIMM का कोई औकात मुराद नहीं है, इसको हम सीमांचल में इस बार औकात बताएंगे दुनिया में AIMM क्या होता है। और मुस्लिम लीग को जब मुसलमानों ने रपेट दिया, इस धरती से रपेट दिया था आजादी के बाद, यहाँ तो समझिए कि एक तरफा आप कितना पैसा बोरा का लाइएगा तो आपको पैसा है, इधर कागज थोड़े है। आप लड़िएगा तो आपसे कोई कमजोर है क्या? ना विचारधारा आपकी है नहीं, और यहाँ विचारधारा सबसे बड़ी है, तो हम विचारधारा से ना आपको सब कुछ खत्म करेंगे। महागठबंधन का ये वही समीकरण जो है इस समय बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आप फिर वही फालतू बात करते रहते हैं, कौन फिर फार में है। यहाँ पर सब समीकरण, यहाँ भूमिहार समाज से लेकर के दलित, यहाँ कोई माय समीकरण का बात है? माय सब सब ना एक है भाई जी। MIM आने से प्रभाव तो पड़ रहा है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। हम एक बात बोले आपसे, बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा कर दीजिए। गोपालगंज में थोड़ा सा शहाबुद्दीन जी के चलते इनको वोट आ गया, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। AIMM का कोई औकात मुराद नहीं है, गोपालगंज में शहाबुद्दीन जी के कारण, चूंकि उनको तकलीफ थी तो हो सकता है गलती हो गई हो हम लोग से, तो हम लोग उसको हमेशा सुधार कर लेते हैं। शहाबुद्दीन जी हम लोग के मित्र रहे हैं, भाई रहे हैं, और उनका सम्मान पूरे हमारे मन में है, जीवन में है, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। कि AIMM जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और अपने तेलंगाना में 9 सीट से ज्यादा लड़ने का औकात इसको नहीं है, इसको हम सीमांचल में इस बार औकात बताएंगे दुनिया में AIMM क्या होता है। समझ गए? एक गलती के कारण वो आ गए। AIMM की कोई औकात नहीं है, और मुस्लिम लीग को जब मुसलमानों ने रपेट दिया, इस धरती से रपेट दिया था आजादी के बाद, और पूरा देश मुसलमान खड़ा था हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान जाने की बात नहीं किया, जब मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं हुए, बोला मैं सेकुलर हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पाकिस्तान ने कहा अब्दुल हमीद को, मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाऊंगा, उसने कहा भारत का सिपाही रह करके लड़ेंगे, लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे। क्या कहते हैं?